नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति सिंह परिहार। 10th क्लास, आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। तो मीरा के पद पढ़ने से पहले हम समझेंगे गे पद क्या कहते हैं, मतलब मीरा के जो पद है वो गे पद कहलाते हैं। तो यानी कि इन्हें गाया जा सकता है, मीन्स इनको हम गा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इनकी जो भक्ति थी, भक्ति काल से मतलब जैसे कबीरदास जी हैं तो वो निर्गुण शाखा के भक्त थे। जैसे वो ये कहते सर्वत्र भगवान है, हर जगह हर क्षण हर कण प्रति क्षण भगवान के समक्ष ही हैं हम, और मानो तो भगवान नहीं है। मतलब भगवान सब कुछ है और भगवान कहीं नहीं है। मीरा जी के ऊपर निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। मतलब वो मानती थी जैसे उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति वो सगुण धारा वाला भी था और निर्गुण धारा वाला भी था। तो उनका कहना क्या है, उनका जो फर्स्ट वाला है, हम लोग देखेंगे इनका पद, इसको पढ़ते हैं। फागुन के दिन चार वे, इन्होंने क्या बताया, फागुन मतलब होली के दिन कितने हैं, चार हैं। होली खेल मना रे मन, तुम होली खेल लो। मतलब क्या बोल रही है मीराबाई, मीराबाई जी कह रही हैं फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे, हे मन तुम होली खेल लो। बिन कर ताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन करताल मतलब हाथों से जो थपाक थपक जो मृदंग बजाया जाता है थाप देके, वो बिना मृदंग के ही बिना करताल के ही बिना थाप दिए ही सुनाई दे रहा है। अनहद की झनकार रे मतलब अनहद नाद की झनकार आ रही है उन्हें। सपोज जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम लोग तो हम लोग मूवमेंट करने लगते, बोले मजे में आनंद लेने लगते हैं, कोई सॉन्ग याद आ जाता है या कोई इवेंट याद आ जाता है तो हम मन ही मन प्रसन्न होते हैं। मीरा भाई भी अपनी मन स्थिति को बता रही हैं कि भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है वो उनका क्या कह रहा है, मन तुम होली खेल लो। फागुन के दिन कितने होते हैं, चार हैं, यानी कि समय बहुत कम है, इस आनंद का लुफ्त उठाओ। बिन सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रग सार रे, बिन सुर के मैं छत्तीसों राग गा रही हूँ रोम रोम रंग सार रे, मतलब मेरा रोम रोम भगवान की भक्ति में लीन है। मीराबाई जी कह रही हैं बिना सुर के ही, क्या बिना सुर के गा सकते हो, लेकिन वो कह रही हैं मैं मतलब आनंदित हूँ, मैं भगवान में इतनी ज़्यादा भक्ति में लीन हूँ कि मैं बिना सुर के ही 36 के 36 पद गा रही हूँ और राग गा रही हूँ और रोम रोम मेरा भगवान की भक्ति में लीन है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, मतलब उनका जो व्यवहार है, मतलब उनकी जो सील मतलब होता है व्यवहार, उनके नेचर, संतोष मतलब जो सेटिस्फेक्शन होता है उसकी केसर, केसर क्या होता है, कलर होता है ना, केसर से होली खेली जाती है, केसर घोल ली उन्होंने। प्रेम प्रीति पिचकारे, पिचकारे में प्रेम रूपी वो जो केसर बना के घोल दिया उसमें प्रेम रूपी वो रंग भर लिया, इसको मतलब अब होली खेलने के लिए वो तत्पर हैं। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, जैसे आप गुलाल लेना ऐसे चुटकी भर और ऊपर ऐसे करना, तो हम लोग जब इतना सा फेंकते हैं वो जब लौट के आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब क्या बता रही है मीरा भाई, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, जो गुलाल उड़ाया है वो अंबर आसमान पूरा लाल हो गया है, और बरसत रंग अपार रे, अब जो हमने तो थोड़ा ही रंग डाला था ईश्वर गिरधर गोपाल ने उसकी बरसात कर दी है। घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मतलब यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजसी परिवार से थी, महारानी थी एक तरह से वो, तो वो कहती हैं हमने अपने राजमहल की जो मर्यादा थी लाज थी उसको हमने त्याग दिया है, मैं भगवान की भक्ति में इतनी लीन हूँ कि मैंने अपने घूंघट को घूंघट के पट को हटा दिया, यानी कि पर्दा हटा दिया है और होली खेलने के लिए तत्पर हैं। होरी खेल पीव घर आए सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, होली खेलने के लिए भगवान कृष्ण भगवान घर पर आ चुके हैं और उन्हें भी मीराबाई का जो प्रेम है उनकी भक्ति है उसकी वजह से वो आ गए हैं और वो जान गए हैं कि हम भी उनको अपार प्रेम करते हैं, अपार भक्ति में लीन है, इसलिए वो भी यहाँ रंग खेलने के लिए आ गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे, मीरा के तो गिरिधर गोपाल हैं, गिरी रखा था ना उन्होंने अपने हाथ में, जो गिरी एक पर्वत है आपने सुना होगा गोवर्धन पर्वत, जब उन्होंने अपनी शिंगली पर रख लिया था तो चरण कमल बलिहार रे,
उनकी कमल रूपी चरणों में मैं बलिहारी हो जा रही हूँ। इसको फिर से देखिए, पढ़ना सीख जाइए तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मीन्स क्या है। फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे, बिन कर ताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन कर ताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसों गावे रोम रोम रगसार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, घूंघट के सॉरी उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीर घर पीव घर आए, मतलब पिया यानी कि भगवान कृष्ण, सोई प्यारी प्यारी यहाँ खुद मीराबाई कह रही हैं, प्रिय प्यार रे वो मेरी मतलब प्रेम में वसीभूत होकर वो स्वयं आ गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे, फिर से देख लीजिए, बिनी मतलब बिना, करताल मतलब हाथों द्वारा बजाई गई ताली, पखावज तो आपको पता है मृदंग, अनहद मतलब अनहद नाद जो होती है शंख की आवाज होती है, झनकार तो पायल की झनकार घुंघरू की झनकार, छत्तीसों मतलब 36 राग जो होते हैं, सील मतलब जो एक व्यवहार होता है जो हमारा नेचर होता है उसको बोलते हैं, संतोष मतलब संतोष सेटिस्फेक्शन जैसे कहते हैं, अंबर मतलब आसमान, पट मतलब पर्दा, डार मतलब डाल देना हटा देना छोड़ देना, खेरी मतलब खेली, पी मतलब प्रियतम या प्रिय, नागर मतलब चतुर, चतुर कौन है श्री कृष्ण, कंबल मतलब कमल। तो संदर्भ प्रसंग जब हम देते हैं तो संदर्भ तो सेम होता है कि ये हमारे मीराबाई द्वारा रचित पद से लिया गया है और कौन सा शीर्षक है मीरा के पद से लिया है। प्रसंग हम कहेंगे प्रस्तुत पद में कृष्ण मीराबाई कैसी हो चुकी, दीवानी हो चुकी है और अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों से कंपेयर करती हैं और वो मतलब क्या व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है वो क्षणिक होता है, वो होली के जो चार दिन होते हैं यानी कि उन्होंने परम आनंद बताया है कि वो उतने कम टाइम के लिए है। व्याख्या आपको बता ही दी है, फिर से सुन लीजिए, फागुन के दिन चार से मीराबाई का आशय क्या है, परमात्मा के मिलन के क्षणों से है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होली की खुशियों की तरह कम समय के लिए ही होता है। होली कैसी होती है आपको पता है, और होली में एक चीज और होती है जो हम लोग भूल जाते हैं बिल्कुल, रंग गुलाल लेके जब हम लोग किसी के संग होली खेलते हैं तो हम लोग को नहीं ध्यान रहता है, हम लोग बिल्कुल लोग लाज छोड़ देते हैं, हम लोग समाज के प्रति हम लोग मतलब इतने खुश होते हैं, इतने आनंद होते हैं, इतने प्रफुल्लित होते हैं कि हम लोग उन रंगों में भूल जाते हैं और दुश्मनी भी भूल जाते हैं, हम सबको रंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हे मेरे मन खूब जी भरकर होली खेलो, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन के क्षणों को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली होली, होली के टाइम पे जो फाग खेली जाती है उसके अनुरूप ही व्यक्त किया है। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग मीरा के भीतर चल रहा है, अनहद नाद की झनकार बिना करताल बिना मृदंग के वैसा ही राग उनके अंदर जा रहा है और ऐसे ही उन्हें सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें कि बस आज तो भगवान से आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सुर के 36 राग सुनाई दे रहे हैं जिनके रंग की खुशी सारे रोम रोम पर छा गई है, सील संतोष की केसर घोल कर, केसर मतलब घोल कर जो कलर के लिए पिचकारी में यह रंग भर लिया है, इस होली के उत्सव में चारों ओर प्रेम का गुलाल उड़ रहा है, सारा आकाश लाल हो गया है, लोक लज्जा को त्याग कर इस मिलनोत्सव के लिए घूंघट के पर्दे पट खोल दिए हैं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण घर आ गए हैं, वे अपनी प्रियतमा के प्रेम से प्रभावित होकर होली खेल रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से अद्भुत मिलन हो रहा है। मीराबाई कहती हैं मैं गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण के चरण कमलों में न्योछावर हुई जा रही हूँ। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने प्रियतम के साथ होली खेलने का चित्रण किया है, क्योंकि मैं दिखाई दे रहा है ना कि मीराबाई है वहाँ होली खेल रही है, वहाँ कृष्ण भगवान है, अलंकार कौन कौन से, रूपक और अनुप्रास, भाषा जैसी आपको पता है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करती है ना, तो इनकी जो भक्ति है इनकी आपको समझ में आ रही होगी कि भक्ति दोनों साइड से इनकी कंबाइंड है।
जो सन में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा, मैं इसको द्वारा अगर आपको सन में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।